तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात खराब हैं। अफगानिस्तान से ऐसे कई दृश्य सामने आए हैं जिसने दुनिया भर को हिला के रख दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर जा चुके हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अशरफ गनी की एक तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। तस्वीर में वो एक व्यक्ति को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। दावा है कि यह तस्वीर अशरफ गनी के देश छोड़ने से पहले की है, जहां वो तालिबानी नेता से गले मिल रहे थे। टीवी 9 भारतवर्ष ने एक कार्यक्रम के दौरान ये तस्वीर चलाई थी। वीडियो में एंकर निशान चतुर्वेदी के शुरुआती कुछ सेकंड्स हम आपको दिखाते हैं, जहां वो डिबेट को ओपन करने से पहले अपनी बात कहते हैं और एक सवाल पूछते हैं। पर अब्दुल गनी ने गले लगाया, ये देखे तालिबान के लोगों को, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अब्दुल गनी ने तालिबान के लोगों को गले लगा लिया है। मुझे शक होता है, वैसे बहुत शक होता है, क्या ये वहां पर तालिबान का ट्रांजिशन करने के लिए बैठे थे? मुझे शक होता है इस बात को लेकर, मुझे बहुत बड़ा शक होता है। कपिल सर, आपसे तो पूछ सकता हूं मैं, क्या अब्दुल गनी वहां पर तालिबान को वेलकम करने के लिए बैठे हुए थे? जो तस्वीर सामने आ रही है, ये डर के मारे गले लगाया है या कोई बहुत पुराना याराना है? नेशनल हेरल्ड ने भी ये तस्वीर आर्टिकल में ऐसे ही दावे के साथ शेयर की। जनता का रिपोर्टर ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद के आर्टिकल में ये तस्वीर शेयर की गई है। पत्रकार और इतिहासकार विजय प्रसाद ने भी ये तस्वीर ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की। हमने जब जांच की तो हमें ट्विटर पर यह तस्वीर मिली। नाइक रूह नाम के एक हैंडल को जवाब देते हुए मुश्ताक अहमद मुशी नाम के एक यूजर ने यह स्क्रीनशॉट डाला था। यह एक फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट था जिसमें यही तस्वीर 2020 में पोस्ट की गई दिख रही थी। पोस्ट के मुताबिक यह तस्वीर ईद के कार्यक्रम की थी। इसके बाद ऑल्ट न्यूज ने कीवर्ड सर्च किया और हमें टोलो न्यूज का एक वीडियो मिला। इस वीडियो में अशरफ गनी की पगड़ी का पैटर्न वायरल तस्वीर से मिलता है। हालांकि ऑल्ट न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह तस्वीर उसी मौके की थी जिसका यह वीडियो है, लेकिन यहां दो बातें गौर करने लायक है। फेसबुक स्क्रीनशॉट में बताया गया था कि यह ईद के मौके की तस्वीर थी और यह वीडियो टोलो न्यूज ने 12 अगस्त 2019 को अपलोड किया था, जो बकरीद या ईद उल अजहा का दिन था। टोलो न्यूज ने और बाकी ट्विटर अकाउंट्स ने अगस्त 2019 में ईद के मौके की तस्वीरें ट्वीट की थी। इन तस्वीरों में अशरफ गनी को उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है जो वायरल तस्वीर में दिख रहे हैं। फिलहाल हम भले ही 100% यकीन से ये न कह सकें कि ये तस्वीरें 2019 में ईद उल अजहा के मौके की ही हैं, मगर ये यकीन से जरूर कह सकते हैं कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये पुरानी तस्वीर है।